मैंने पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का स्टेटमेंट देखा और बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है, किसी भी देश के साथ, चाहे फिलिस्तीन हो और बाकी कोई भी देश, भारत ऐसा एक देश, सबके साथ अच्छे संबंध रखता है। हम किसी को एनिमी नहीं मानते। अब वो ओथ लेते समय फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हैं क्या? नहीं, बात वहां है। अब भारत माता जिंदाबाद नहीं बोल सकते और दूसरे देश का जिंदाबाद बोल रहे हैं, उसमें प्रश्न है। प्रश्न वहां। और उसके बाद विपक्ष मुंह बंद करके बैठे हुए थे कि इसमें कुछ बोले तो इसका, इनके वोट बैंक राजनीति ना नुकसान हो जाए। इस तरीके से ओथ लेते समय मानसिकता और ऑपोजिशन का जो रूप आज देशवासी ने देखा है संसद में, ये बहुत ही चिंताजनक है। निश्चित देश के जनता ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ आज मैंने भी ओथ लेते समय, मैं जानता हूं ओथ लेने का नियम है, ओथ के जो 4 लाइन दिया जाता है वही आपको बोलनी है, वही बोलना है। क्योंकि मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मेरे में से एमएलए भी बन चुका हूं, राज्यसभा का भी एमपी मैं रह चुका हूं, तो ओथ कैसे लेता है मुझे मालूम है। किंतु ओवैसी जी जब इस तरीके से बयानबाजी किया है, इस तरीके से शब्द को यूज किया है, देन मैंने जब गया, मैंने नमस्ते कहते हुए जो नवनिर्वाचित सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी पार्टी के, उसमें उनको ऑब्जेक्शन है, खड़ा हो गया, खड़ा होकर नाच रहा था, ये संविधान विरोधी वार्ड है, नमस्कार करना संविधान विरोधी वार्ड है। तो बाकी सब ओबीसी क्या बोल रहे थे? तो आपके हिसाब से नमस्ते बोलना भारतीय संस्कृति और भारतीय व्यवस्था को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, ओथ लेते समय इसका जरूरत नहीं है। जरूरत तब पड़ा कि मेरे पहले ऐसा किया गया है, तो उसको एक जगह पे लेना है, एक सुंदर माहौल बनाने के लिए ऐसा बोला गया था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन इनको। किंतु मुझे सबसे कष्ट इस बात को लगा कि देश के जनता ने उनको चुन के भेजा है और आके भारत के सबसे बड़े पंचायत में इस तरीके से वार्ड यूज किया जाता है, तब ऑपोजिशन के बेंच में सब मुंह बंद करके ताला लगा के बैठा हुआ है। ये चिंताजनक है। और मैं मानता हूं देश की जनता ने आज ये सब देखा है और इसका विचार, ये एक इलेक्शन में खत्म नहीं होता। जनता बहुत समझदार है। हम लोगों को लगता है हमने इतने वोट से जीत के आ गया तो हम ही सिकंदर है, ऐसा नहीं होता। मैंने बड़े बड़े सिकंदर को देखा, 10 लाख में वोट में जीता था, नेक्स्ट टाइम जमानत जब्त कराता है। तो इसलिए मैं मानता हूं सब मिलके देश के डेवलपमेंट के हित में काम करना चाहिए। शब्द चयन करके बात पार्लियामेंट में करनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च ये पंचायत है, लोकसभा और राज्यसभा, सभी पार्टी के लिए शब्द चयन और शब्द को किस तरीके से रखना, ये इस देश के बड़े बड़े अलग अलग पार्टी में बहुत विद्वान सांसद रहे हैं। मैं कभी कभी वही लोगों का भाषण इनके सब देखता हूं, सीखने की कोशिश करता हूं, और वैसे से ही रास्ता निकल सकता है। और अभी जिस तरीके से ऑपोजिशन एक वोट बैंक राजनीति में जाने की पूरा व्यवस्था बना के रखा है, ये देश के लिए सटीक नहीं है। सबके लिए सोचना चाहिए, सबके लिए काम करना चाहिए, जो कि नरेंद्र भाई मोदी करता है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। लेकिन आपके मुताबिक, क्योंकि दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और ये मैंने आपको बोला ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स करता है, भड़काने वाले, भड़का के राजनीति करने वाले हैं, इमोशंस में राजनीति करने वाले हैं। और जो शब्द मैंने, भड़काने वाला राजनीति करता है, वो देश के हित में, जनता के हित में सोचता ही नहीं है, शॉर्टकट चाहता है, लोगों का लाभ नुकसान क्या होगा वो सोचते ही भी नहीं। इसलिए मैंने बोला शब्द चयन करते समय बहुत सोच समझ के करनी चाहिए।
क्योंकि एक एमपी छोटी बात नहीं होता, भारत के एमपी एक एक एमपी के एरिया में 20 से 25 लाख तक वोट रहता है, यूरोप में कंट्री में इतना लोग नहीं रहता। तो इस विषय को देखना चाहिए। ऐसे भी जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, लगातार वो क्या करते हैं, उनके भाई क्या करते हैं, किस दिशा में काम करते हैं, सबको मालूम है।